मैं गर्ल्स डांस करती हूँ। पापा कल मैं ना पापा बन के आई थी। कैसे? क्योंकि जब आप नहाने के बाद ऐसे करते हो ना, टॉवल को ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हो, फिर मैंने कपड़े लाके अपने कपड़े लाके गंदे कपड़ा में रख देते हो, फिर सुखा देते मेरे शॉर्ट। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, नोटिस करती है सब कि मैं कैसे करता हूँ। ओके चलो, हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ स्कूल के लिए। जब आपको दिखाते जब स्टार्ट हो जाता है। हाँ, मुझे वैसे चाहिए ओप्पो को। बुआ का कौन सा फोन है? ओप्पो क्या ओप्पो का या वीवो का? ओप्पो। मम्मी का कौन सा फोन बना? ओप्पो वीवो। मम्मी का वाला ली होगी वीवो। ये है पापा का पुराना वाला कवर। ये इससे मैं हमेशा खेलती रहती थी। क्योंकि मुझे पसंद है ना। मैं ना कैसा लग रहा हूँ? मैं अच्छे स्मार्ट। थैंक यू पापा। पापा एक बात तो सुन लो। मैं बहुत स्मार्ट लग रही हूँ, अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, वंडरफुल लग रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रजवीर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मेरे स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, फटाफट निकल रहा हूँ, लेट हो चुका हूँ थोड़ा सा, फटाफट स्पीड से कवर कर लूँगा। लंच का है आपका? मैं लंच नहीं लेके जाता। क्यों? मैं 1 बजे आ जाऊँगा ना, 1 बजे एक 1 बजे निकल जाता हूँ ना मैं वहाँ से, तो फिर यहाँ पे पहुँच जाता हूँ 1:30 तक। अच्छा। इस टाइम तो हम लंच करते ही हैं, तो वहाँ पे बस एक कॉफ़ी ले लेता हूँ, एक ब्रेक मिलता है मुझे। चलो बाय। Bye bye. I miss you. Oh, I miss you. डर के कब छुपेगी? So finally guys पहुंच गया स्टूडेंट के पहले से, जल्दी से काम स्टार्ट करता हूँ। तो देखा गाइस आपने कि बच्चों ने कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी ऑमलेट बनाई है क्राफ्ट में। तो अभी जाता हूँ, एक कॉफ़ी के लिए ब्रेक है, देन उसके बाद फिर क्लासेस हैं बैक टू बैक, तो जाके फटाफट से कॉफ़ी लाता हूँ और जो भी क्राफ्ट में बच्चों को कराता हूँ आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। कितने प्यारे प्यारे हाउसेस बनाए हैं बच्चों ने, एक्टिविटी की है। तो गाइस फाइनली स्कूल से निकल चुका हूँ और अभी 12:50 हो रहे हैं और अभी मैंने लिए बस बाहर स्कूल से बाहर निकलते ही शॉप थी, मैंने लिए मीठी लस्सी क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है आज, पता नहीं क्यों। क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करके आता हूँ ना सीधा, और सीधा लंच के टाइम में मैंने कहा लंच तो मैं लेके आता नहीं इसीलिए। क्या है? गेट खोलने में इतना टाइम लगता है? आप बाहर की तरफ खींच रहे थे। मैंने कब खींचा? आप ऐसे खींच रहे थे। नहीं खींच रहा था मैं तो, इतनी पावर है बस सृष्टि के हाथों में। मैं ऐसे हड्डी हुई पड़ी है, बिल्कुल हड्डी। अच्छा, कुछ भी पावर नहीं है। तो भाई मेरा व्लॉग एडिट हो चुका है और आज 3:30 हुआ है। अभी है क्लास टाइम, आज सिर्फ पारुल आई है क्लास के लिए बस। फाइनली अभी एडिट हो गया है, अब क्लास खत्म करके देन एक कहीं से एक मूर्ति आई हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर पेंट करना है। ये एक छोटी सी स्टेचू है साईं बाबा की, ये कहीं मंदिर से मुझे बुलावा है कि हमारी एक मूर्ति पेंट करके दे देना छोटी सी। मैंने कहा चलो मंदिर के लिए इतने काम करने चाहिए, क्यों पूजा भक्ति में तो करने चाहिए। सही बात है। तो आज ये साईं बाबा की मूर्ति देखते हैं कितनी पेंट कर पाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो सारा गंद है ना इसका, सोच रहा हूँ कि पहले सारा ये ऑयल कलर जो वो टारपिन का तेल है ना ये वाला, तो इससे सारा एक बार ब्रश से क्लीन कर दूँ सारा गंद जो है, फिर इसके बाद इसको पेंट करूँ। तो गाइस फाइनली क्लास ख़त्म और ये अभी ब्लिंकिट से मंगाए हैं, आजकल ऐप से सब कुछ आ जाता है बैठे बैठाए, तो टोस्ट और नमकीन अभी मंगाई है, चाय बन रही है, भूख लग रही थी बहुत तेज़, अभी ओट्स खाया थोड़ा सा बस। मूर्ति मैंने साफ़ कर दी है और अभी 6 बज चुके हैं, 6 से ऊपर टाइम हो रहा है, अब उसको फिर मैं बाद में चाय वाय पीने के बाद फिर पेंट करना शुरू करूँगा और फिर मुझे व्लॉग भी एडिट करना है,
कल तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। कल की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जैसे मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से। कैसे? करने वाले हैं कल कुछ, हम चैलेंज करने वाले हैं। आइसक्रीम चैलेंज? नो। क्या चैलेंज? वो कल ही पता चलेगा आपको। सरप्राइज है गाइस के लिए। मैं बॉय डांस करती हूँ। मैं गर्ल्स डांस करती हूँ। ओ, पार्क से आने के बाद की हालत, सब थक गए। अभी आते ही एसी ऑन किया है बस। ओ भाई, हाँ भाई, हेलो, हाँ भाई, हाँ। ओ छी छी छी। ओह, सो फाइनली गाइज, आफ्टर डिनर हम आए थे रात को 12 बजे, बाहर घूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। और ये देखो मेरी न्यू टी शर्ट, मतलब टी शर्ट क्या है, ये स्लीवलेस है। ये रेनू लेके आई थी, मस्त अच्छी लगी मुझे बहुत। सेम ब्लैक कलर में लाई थी, मैं उसे ब्लैक वाली मारने वाला था, तो फिर उसने मेरे लिए वो वाइट ले आई। नींद तो आने रही थी, मुझे कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, क्योंकि है ना आज दाल ऐसी बनी हुई थी जैसे कि खिचड़ी। नहीं भाई सच में, इतनी गाढ़ी दाल, इतनी कि खिचड़ी भी शर्मा जाए। खिचड़ी भी कहते मैं भी ऐसी नहीं बनती, आज इतनी गाढ़ी बनी हुई थी सच में। अच्छा आप बताओ, सूखी सूखी थी या नहीं थी दाल? हो गई टाइट, मतलब इतनी सूखी जैसे वो सूखी सब्जी बनती है ना, भुजिया टाइप से। पानी रह गया कम, अब तो क्या हो गया, तो वैसी बनी थी। और खाई तो गई ना, बची नहीं ना, सारी खत्म हो गई। पर मेरा पेट नहीं भर पाया ना ठीक से, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था मैंने कुछ खाया नहीं, एनर्जी लो फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ चाहिए मुझे पीने के लिए मेरा, फिर जब मुझे चाहिए होता ना कुछ पीने के लिए ड्रिंक में, तो मतलब चाहिए तो चाहिए, फिर नहीं रह सकता। तो अभी चल रहा हूँ, ये तो CNG भी ख़त्म हो गई और ऐसे ही चल रहे हैं मस्त। तो अभी लिए है पल्पी ताकि ये भी पी सके। और सबसे मतलब एक अलग सी बात आपको बताता हूँ, हेमलता ना कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, लिम्का, थम्स अप, स्प्राइट, मतलब कुछ भी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। ये सिर्फ फ्रूटी पी सकती है, माजा पी सकती है, पल्पी ऑरेंज पी सकती है, लस्सी वस्सी ये सब पी सकती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती। मैंने पहला इंसान ये सुना कि ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती है। और सेम 60 BC की कॉपी है। अब देखने हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके आसपास या आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है। और 60 भी सेम यही कॉपी है, पर 60 कभी कभी पीने का ट्राई करते हैं क्योंकि बच्चे ही है वो। तो मैं बोलता हूँ तो नहीं पी सकती, कहते नहीं मैं ट्राई करूंगी, तो कभी कभी एक घुट पीती है तो उसमें ही उसको ऐसा करने लग जाती है। मतलब है अपनी कॉपी मम्मी की कुछ मामलों में, कुछ मामलों में मेरी कॉपी है। तो मुझे भी खिला दो, अभी आप बोल देते हैं। तो अभी लेते हैं CNG, मतलब खाली रोड होते हैं मस्त बिंदास, तो थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और थोड़ी बातें भी हो जाएगी, मतलब रात को, क्योंकि अब तो ऐसा है ना कि मुझे स्कूल वूल जाना होता है, टाइमली सो जाओ तो यही रहता है। चलो चलते हैं घूमते फिरते गाने सुनते हुए, म्यूजिक। तो गाइस फाइनली CNG पंप भी पहुंच गए हैं। अच्छा तेरा दावा है, गुस्सा नहीं देखा होगा, मतलब अपनी बात खुद ही बोल देना। रात में है ना कपल्स को घूमने में है ना ऑब्जेक्शन होता है, पुलिस इर्द गिर्द होती है कि गाड़ी में कोई कपल तो नहीं घूम रहा है, रात को रुकते तो नहीं है। अब क्या है ना, इसके गले में ये घंटी है। अब पुलिस क्या है ना, देख के भी वापस चले जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है, आप इंजॉय कर। में क्या क्या नहीं देखा होगा। और CNG पंप पूरा खाली पड़ा है, पूरा, बस एक ये गाड़ी दिख रही है, बस पूरा खाली है। रात को तफरी करने का तो अलग ही मजा होता है। सो फाइनली गाइज पहुंच गए हैं स्टूडियो, तो फिलहाल व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। तो होप आप लोग
आपने आज के व्लॉग को एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। थोड़े बहुत मतलब कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमेशा एक सा टाइम नहीं रहता, कभी ना कभी तो आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ठीक है गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। कल वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आते बस एसी ऑन कर दिया है तो मस्त अब सोएंगे, नहीं मैं एडिटिंग करूँगा और इन लोग का सोएगी, और कल सुबह का पता नहीं, आप शायद अभी एडिट करूँ क्योंकि अभी एक बज चुका है और अभी हम पहुँचे, करेक्ट एक बज चुके हैं। ओके बाय बाय।